नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। यूपी में हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और सभी उम्मीदवार एक से बढ़कर एक दिए गए हैं, लेकिन एक उम्मीदवार काफी दिलचस्प है और वो उम्मीदवार है करहल उम्मीदवार। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में हो रहे उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आप जानते हैं कि चुनाव के ऐलान के बाद से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी लिस्ट जारी करने से डर रही थी और समीकरण बैठाने में मशगूल थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने अपनी 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव, कुदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया, करहल से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा गया, फूलपुर दीपक पटेल को टिकट दिया गया, कटहरी से धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया, मांझवा से सुष्मिता मौर्य को टिकट दिया गया। तो अब आपने देख ही लिया है कि किन लोगों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इसमें एक नाम काफी दिलचस्प है और वो नाम है अनुजेश यादव का, और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी ने अखिलेश को फंसा दिया है। जानकारी आपको देते चले कि करहल से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के खिलाफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है और यही योगी का मास्टर स्ट्रोक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बीजेपी ने करहल से अखिलेश यादव को फंसा लिया है। अब देखना होगा कि आगे करहल का मुकाबला कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के सामने अखिलेश की हवाई गुम है। तो बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मार पाता है और उपचुनाव में बीजेपी कैसे जीत हासिल कर पाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं।